नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसकी शुरुआत करेंगे चारधाम यात्रा से जुड़ी, श्रद्धालुओं से जुड़ी अच्छी खबर के साथ में। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान हेलंग में बंद बद्रीनाथ हाईवे को सुबह यातायात के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद जगह जगह फंसे 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। सभी यात्रा करके अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। चमोली जिले में भी मौसम साफ होने के बाद श्रद्धालुओं में और भी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि गुरुवार की शाम चमोली जोशीमठ के बीच बद्रीनाथ हाईवे हेलंग के पास चट्टान टूटने की वजह से बंद हो गया था, जिसके बाद एनएच हाईवे से मलबा हटाने के काम में जुट गया था। प्रशासन ने वाहनों को चमोली, पीपलकोटी और जोशीमठ में रोक दिया था। आपको बता दें कि गुरुवार शाम 6:40 पर हेलंग के पास चट्टान टूट गई थी। इस दौरान पहले हल्की मिट्टी गिरी, जिसे देखकर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही थम गई थी। थोड़ी देर में चट्टान का एक बड़ा हिस्सा भी टूटकर हाईवे पर गिर गया था, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाकर ट्रैफिक रुकवाया। अब अच्छी खबर यह है कि हाईवे को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। पहाड़ों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही थी। अब अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि मौसम खुल गया है। दरअसल बारिश और बर्फबारी की वजह से पहाड़ी रास्ते भी बंद हो रहे थे, हालांकि प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम में जुटा हुआ था। अब अच्छी खबर यह है कि मौसम साफ हो चुका है और चारों धामों के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम खुलने के बाद गंगोत्री धाम में भी दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शन करने के साथ गंगा जल से स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम खुलने से यात्रियों ने भी राहत की सांस ली है। बड़ा आनंद आया गंगोत्री धाम में आकर के। यहाँ की सुविधा बड़ी अच्छी, वातावरण बड़ा अच्छा, मौसम तो बहुत ही अच्छा है। धूप निकलने के बाद और अच्छा लग रहा है। माँ गंगा जो भी यहाँ पर आए सबसे मनोकामना पूर्ण करे। गंगोत्री में मौसम अच्छा और बहुत सुहाना हो रखा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर यात्री भी आ रहे हैं और माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। और हम सभी तीर्थयात्रियों से निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आए और माँ गंगा का दर्शन कर पुण्य अर्जित करें। तो उत्तराखंड में मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। लगातार 3 दिन बारिश के बाद अब मौसम साफ हो गया है। दरअसल पिछले 3 दिनों से खराब मौसम की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि पर्वतीय इलाकों में अभी भी बादल मंडरा रहे हैं और कहीं कहीं पर हल्की बारिश की जानकारी भी मिली है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम साफ होने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। दोनों धामों में यात्रियों की भीड़ लगी है। आपको बता दें कि कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 2,00,000 लोग यात्रा कर चुके हैं। भले ही 3 दिन लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम खुल गया है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड के 5 जिलों में राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए 8 मई तक अलर्ट जारी किया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और बागेश्वर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बाकी जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 7 मई को राज्य में कुछ जगह आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रशासन चौकस नजर आया। वहीं बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिन श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। वहीं सुरक्षा और यातायात के लिहाज से मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया था। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। भीड़ बढ़ने पर यातायात व्यवस्था न चरमराए, लिहाजा यातायात प्लान भी बनाया गया है। स्नान संपन्न होने तक हरिद्वार शहर में भारी वाहनों के आवागमन पर भी पाबंदी लगाई गई है। बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को 7 जोन में और 20 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इनके डिवाइड करने का रीजन ये होता है कि जो पब्लिक आ रही है, यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे स्नान के लिए, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, गाड़ियों का संचालन एक सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके, हमारा जो ट्रैफिक संचालन है वो भी सुव्यवस्थित हो सके। इसके अलावा जो भी हमारे तीर्थयात्री आते हैं वो मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने जाते हैं,
वहाँ भी उन्हें किसी तरह की असुविधा न फेस करनी पड़े, इसलिए ये 20 सेक्टर और 7 जोन में डिवाइड किया गया है। जो जोन है उसमें डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है ड्यूटी के लिए, और जो हमारे सेक्टर हैं उसमें सब इंस्पेक्टर स्तर के जो अधिकारी हैं उनको लगाया गया, इनकी ब्रीफिंग भी की जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया, साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट के वायरल वीडियो को लेकर भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के दम पर पीड़ितों को थाने में बंद तो करा सकती है, लेकिन जनता की आवाज नहीं दबा सकती। इस घटना से पूरा उत्तराखंड आहत हुआ है और पीड़ित के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर है। पूर्व सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को सक्रिय और चुनावी राजनीति से अलग कर देना चाहिए। वहीं अतिक्रमण के नाम पर धार्मिक स्थल तोड़े जाने को लेकर भी हरीश रावत ने बीजेपी सरकार से सवाल पूछा है। और इस बार हम भाजपा को पटक नहीं देंगे। लेकिन मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर इतना मैं अवश्य स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि, और हरिद्वार के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, कांग्रेस से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, 2016 के घटनाक्रम के खलनायकों को दोनों को धुतकार दिया। ये लोग लोकतंत्र के। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के वायरल वीडियो का मामला उत्तराखंड में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी इस घटना पर निंदा जताई है। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक पद पर होने के बाद भी जिस प्रकार मंत्री सड़क पर खुलेआम मारपीट कर रहे हैं, यह घटना बीजेपी की दबंगई को दर्शाती है। उन्होंने बीजेपी से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने की मांग की है। देखिए, जनप्रतिनिधियों जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है और चिंता का विषय भी है। मैं तो ये कहूँगा कि उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी थी कि उनको बचाएं, और मंत्री जी ने कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उनको थप्पड़ मारते, कुछ भी करते, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो हाथ जोड़ते रहते और उनका सुरक्षाकर्मी उनको बचाता। और ये तो ऐसा है, ये दबंगगिरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है ही, मेरा साफ कहना है, आरोप भी है। और उन्होंने इस देश के राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने का काम भी किया। कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है, जिससे नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। आज अलमड़े में बजरंग दल विष्णु प्रसाद दुर्गा वाहिनी द्वारा इसलिए किया गया कि कर्नाटक में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा नाटक किया है कि जो शर्मनाक है। और वो पवन खेड़ा जी ने जो ऐसा एक बयान दिया है उसकी जो पीएफआई की तुलना जो है बजरंग दल और हमारे वीर बजरंगी से कर दी है, इसलिए ये बहुत शर्मनाक विषय है। और इसीलिए हम ये पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। और हम पवन खेड़ा से ये कहना चाहते हैं, उसकी पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि कुछ अपने ग्रंथों का, हमारे जो वेद हैं उनका ज्ञान प्राप्त कर लें, तो ताकि जो है ऐसा विषय जो है ना आए और ऐसे उस पर बयानबाजी ना करें, इसका हम विरोध किए। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। लगातार सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर में भी प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। नानकमत्ता में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद अब अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। कौन व्यक्ति किस धर्म को मानता है ये प्रशासन का विषय नहीं है, प्रशासन कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है।
उसके बारे में माननीय न्यायालय के आदेश हैं कि जो भी हमारे सरकारी रास्ते हैं या सरकारी जमीन भूमि है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं हो सकता है। लिहाजा इसी क्रम में हमने यहाँ पर चिन्हित किया तो एक पाया गया कि प्रतापपुर दो में एक अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया जो हमारे सरकारी रास्ता 6-2 की भूमि में दर्ज है। तो लिहाजा आज उसको हमने पहले भी 1.5 महीने का नोटिस दिया था कि आप इसको स्वयं हटा लें, लेकिन उनके द्वारा इसको हटाया नहीं गया। आज हम इस मौके में आए हैं। बुलेटिन के आखिर में बात रुड़की की, जहां बेलड़ा गांव की प्रधान और जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सपना चौधरी के खिलाफ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने सपना चौधरी के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने की शिकायत की थी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने 15 दिनों में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। ग्रामीणों ने भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि जांच कमेटी जांच में देरी कर रही है और अपनी रिपोर्ट नहीं भेज रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है तो ग्रामीण ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये जो गांव में आरोप लगाए हैं ग्राम प्रधान जिनके खिलाफ, ये आज नहीं है, आज के आरोप नहीं है, लगातार कई महीनों से आरोप लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है शासन प्रशासन कहीं ना कहीं सचिन प्रधान को बचाने में लगा हुआ है। एडीएम साहब ने 10 से 15 दिन का समय लिया है, 10 से 15 दिन के बाद हम यहाँ पर अपना तंबू गाड़ के बैठेंगे यहीं पर। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी, जब तक हम नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई है। किस आधार पे आप लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं? ये जो जिला पंचायत लड़े हैं, देखो जो भी आरोप लगे हैं वो सत्यता है। हमारे गाँव का जो प्रधान है और जो जिला पंचायत सदस्य सपना है वो फ्रॉड है। वो 420 तरीके से बने हैं। जो दस्तावेज लगाए वो टोटल फर्जी है। उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, हमारी मांग। आप भी सरकार के आप सदस्य हैं जी, तो क्या मानते हैं? बीजेपी सरकार में जाकर बैठ चुके हैं तो सरकार की दिक्कत में उठाई गई? देखो कहीं ना कहीं सरकार किसी आदमी का इनके सिर पर हाथ है। हम नाम तो नहीं लेंगे पर किसी सरकार का आदमी का इनके सिर पर हाथ है, सचिन प्रधान के, जिसकी वजह से ये जांच में विलम्ब। उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबीसी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।